अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुलेमान फ्रॉम यूट्यूब मोबाइल। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अक्टूबर में डॉलर की प्राइस कम होने की वजह से जो मोबाइलों की प्राइसेज हैं वो बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एमआई और सैमसंग की प्राइसेज में कितना डिफरेंस जो है वो आया है, सितंबर में क्या रेट्स थे और इस टाइम जो है वो अक्टूबर में क्या जो है वो मार्केट में इन मोबाइल्स के, इन कंपनीज के क्या रेट जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम तमाम मॉडल्स में जो है वो डिस्कस करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ सैमसंग और एमआई के जो है वो, इन दो ब्रांड्स के मॉडल जो है वो डिस्कस करेंगे। बाकी जो ब्रांड्स है वो आहिस्ता आहिस्ता हम आपको जो है वो शेयर करते रहेंगे उनकी डिटेल्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एमआई के ब्रांड को। और एमआई में सबसे पहले हम बात करते हैं एमआई A2 प्लस, जो कि इस वक्त 3 GB और 64 GB में हमारे पास अवेलेबल है। इसकी जो प्राइस थी आज से एक माह पहले, इसकी प्राइस थी 25,000। तो आज की इसकी प्राइस जो है वो 23,000 इसकी इनवॉइस प्राइस हो गई हुई है। तो आफ्टर डिस्काउंट अगर आप ये बाय करना चाहते हैं तो आपको ये 21,000, 21,500, 22,000 में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इससे पहले एक मॉडल आता था A1 प्लस, सेम इसी डिजाइन में, तो उसकी प्राइस आजकल जा रही है 20,000। तो उसकी प्राइस जो है वो जब लॉन्च हुआ था तो 20,000 में हुआ था, फिर आहिस्ता आहिस्ता 23 का हुआ, 28 का हुआ, 35,000 तक चला गया था जब डॉलर जो है वो 300 से अप कर गया था। तो इस टाइम जो A1 प्लस है उसकी इनवॉइस प्राइस जो है वो 20,000 पे आ गई है, मतलब के 10 से 15 हजार का जो है वो आपको इसमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। उसके बाद कंपनी ने A2 प्लस लॉन्च कर दिया, तो इसकी जो इस वक्त प्राइस जा रही है वो 23,000 है, जो कि इस टाइम कोई भी जो ब्रांड है, इवन सैमसंग भी इस प्राइस रेंज में आपको ये जो है वो इस प्राइस रेंज में कोई मॉडल अवेलेबल नहीं कर रहा। अब बात करते हैं रेडमी के 12C के बारे में। इस मॉडल में आपको दो वेरियंट देखने को मिलते हैं। एक वेरियंट है 4 GB 64 GB में, जो कि 29,000 का है, और उसकी जो इनवाइस है वो 29,000 आफ्टर डिस्काउंट, वो आपको 1500-2000 डिस्काउंट उसमें आपको मिल जाएगी। इसी तरह आपको 4 GB 128 GB वाला वेरिएंट जो है वो देखने को मिलता है। इसकी जो प्राइस रेंज है वो पहले तो थी 35,000, तो अब इसकी जो प्राइस है वो आपको 31,000 देखने को मिल रही है। तो बहुत ही ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। 31,000 इसकी जो प्राइस है आपको आफ्टर डिस्काउंट या 30,000 का मिल जाएगा इजीली। और अब बात करते हैं रेडमी के नोट 12 के बारे में। तो ये जो नोट 12 है ये एमआई का नोट सीरीज के मॉडल जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। इनमें जो आपको एमोलेड डिस्प्ले भी देखने को मिलता है, तो ये कम रेंज में आपको अच्छी स्पेसिफिकेशन इसमें आपको देखने को मिलती है। इसमें जो तीन वेरियंट्स हैं, सबसे पहले जो वेरियंट है वो 6128 है, उसकी जो इनवॉइस प्राइस है वो 55,000 है इस टाइम अक्टूबर में। तो अगर सितंबर की बात करें तो जो 6 GB वाला वेरियंट था उसकी 60,000 प्राइस थी, तो वो आपको मार्केट में 62 का, 63 का भी मुश्किल से देखने को मिलता था। अब बात करें तो 6 GB की इनवॉइस प्राइस 55,000 है। जो 8 GB 128 GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस की बात करें तो वो आज से 2 या 3 माह पहले 80,000 के राउंड अबाउट आपको मार्केट में देखने को मिल रहा था, लेकिन अब उसकी जो प्राइस है वो मार्केट में आपको, पाकिस्तानी मार्केट में 60,000 आपको इनवॉइस प्राइस उसकी देखने को मिलती है, मतलब के 17 से 18 हजार का जो डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छा खासा डिफरेंस है। तो यही फोन आपको आफ्टर डिस्काउंट 58 का भी मिल जाएगा, 59 का भी इजीली मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके तीसरे वेरिएंट की। तो जो उसका तीसरा वेरिएंट है वो आपको देखने को मिलता है 8 GB 256 GB में, जिसका प्राइस टैग है 67,000। तो वो भी आपको 65,000 में, 64,000 में इजीली आपको मिल जाएगा हमारी शॉप से। शॉप का एड्रेस जो है वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। तो अब इसके बाद बात करते हैं हम नोट 12 प्रो वेरिएंट की। तो इसमें जो प्रो वेरिएंट है, तो इसका जो प्रो वेरिएंट, इसमें इन्होंने प्रोसेसर को बहुत अपग्रेड कर दिया है, कैमरे को अपग्रेड कर दिया है और चार्जर को अपग्रेड कर दिया है, हर ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इसमें अपग्रेड कर दी गई है। ये जब लॉन्च हुआ था तो इसकी प्राइस थी 1,00,000, तो ये ऑन पे सेल हो रहा था 1,05,000 का, 1,10,000 का बिकॉज ऑफ शॉर्टेज। तो आज की इसकी अगर प्राइस की बात करें, इसका जो वेरिएंट है ये 8 GB 256 GB में, तो इसका जो प्राइस टैग है इस टाइम वो है 90,000। तो इसकी प्राइस कम होने की वजह से आप इसकी जो हमें सेल देखने को मिल रही है वो मंथली 100+ सेल्स जो है वो इसकी हमें देखने को मिल रही है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि आपको ये जो इसमें स्पेसिफिकेशन है 8 GB 256 GB स्नैपड्रैगन 732 के साथ, तो वो आपको कोई ब्रांड जो है वो, इवन सैमसंग भी या ओप्पो वीवो भी आपको इस प्राइस टैग में इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशन नहीं दे रहा। तो इसकी डिस्काउंट की बात करें तो आपको ये 86,000 का, 87,000 का इजीली मार्केट से अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद आते हैं
इसमें और भी वेरिएंट्स हैं एमआई में, लेकिन वो इस वक्त मैं डिस्कस नहीं कर रहा, इस वक्त सिर्फ मैं मिड रेंज जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसमें जो ऊपर वाले वेरिएंट हैं जिसकी मैंने कल वीडियो लगाई थी Xiaomi 13T की, और इसमें एक और वेरियंट है Redmi Note 12S, तो वो भी 8256 में है, वो मैंने अभी डिस्कस नहीं किया। वो 75,000 में आपको मिल जाता है, उसका 90 Hz है, और वो स्नैपड्रैगन आपको उसमें स्नैपड्रैगन ही दिया गया, उसमें G96 दिया गया, तो वो आपको 75,000 में वो भी देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं हम सैमसंग की तरफ। सैमसंग की बात करें तो सैमसंग कोई भी मॉडल जब लॉन्च करता है तो उसकी प्राइस टैग जो होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। कोई भी मॉडल आप इसका मिड सबसे लो वेरियंट की बात कर लें तो सैमसंग का जो फोन है इस वक्त 3/32 वाला वो 30,000 से स्टार्ट हो रहा है, जबकि जो अदर वेरियंट अदर मॉडल्स हैं अदर ब्रांड्स हैं वो आपको 3/32 वाला फोन जो है वो 20 से 22,000 में देखने को मिल जाता है। लेकिन सैमसंग का अपना एक नाम है, अपनी एक क्वालिटी है, तो अपने क्वालिटी को ऊपर रखते हुए अपने जो मॉडल्स की प्राइस है वो भी ऊपर ही रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके मॉडल की, तो वो हमारे पास अवेलेबल है A04S। A04S जो है इसमें आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, 4GB 128GB है, 4GB 64GB में है। जो इसका 4GB 64GB वाला वेरिएंट है वो आपको 40,000 में देखने को मिलता है, और इसका जो 4GB 128GB वाला है वो आपको 44,000 में देखने को मिलता है। इनकी सितंबर की प्राइस की बात करें, इनके रेट्स जो है वो कल ही कम हुए हैं A04S के। इसका जो सितंबर में रेट था 4128 का 49 था और 4064 का 45 था, अब जो है इनकी प्राइस वो 3 से 4,000 इनकी प्राइस कम हो चुकी है। अब बात करते हैं हम मॉडल की A04 की, तो A04 जो है इसमें आपको फिंगरप्रिंट नहीं देखने को मिलता, लेकिन इसकी जो इसमें वेरिएंट्स जो है वो भी दो आए हैं, एक 3/32 है और एक 4GB 64GB। जो 3/32 वाला वेरिएंट है उसकी आपको प्राइस देखने को मिलती है 31,500 का राउंड बाउंड, और जो 4GB 64GB है वो 35,500 का राउंड बाउंड आपको देखने को मिलती है, और 15 से 2,000 इसमें जो आपको डिस्काउंट भी इजीली मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके सैमसंग गैलेक्सी A14 के बारे में। इस मॉडल में आपको फिंगरप्रिंट भी देखने को मिलता है और अच्छी स्पेसिफिकेशन भी आपको देखने को मिलती है। इसकी इसमें तीन वेरिएंट्स हैं, एक 4GB 64GB में है, एक 4GB 128GB में है, और एक 6GB 128GB में है। जो 4GB 64GB में वेरिएंट है उसकी प्राइस की बात करें तो वो आपको वो 50,000 में देखने को मिलता है। एक जो 4GB 128GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस देखें तो आपको 57 देखने को मिलती है, और 57,000। और जो 6GB 128GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस हो चुकी है 60,000। जबकि बात करें सितंबर में, तो सितंबर में 6GB की प्राइस 65,000 थी, 4GB 128GB की प्राइस 60,000 थी, तो इसमें भी आपको 2 से 3,000 का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। अब बात कर रहे हैं हम गैलेक्सी A24 की, तो जो A24 है इसमें आपको इसकी जो प्राइस टैग थी पहले जब ये लॉन्च हुआ था तो ये ब्लैक में मिल रहा था 85,000 का 90,000 का। इसमें भी दो वेरिएंट्स आपको देखने को मिलते हैं, 6128 8128। जो 6128 का प्राइस टैग है वो आपको मिलता है 70,000 की रेंज में, और जो 8GB 128GB वाला वेरिएंट है वो आपको मिलता है 80,000 की रेंज में, तो इनमें भी आपको 3 से 4,000 आपको डिस्काउंट इजीली मिल जाएगा। अब बात करते हैं गैलेक्सी A34 जो कि 5G में है हमारे पास। इसका जब ये लॉन्च हुआ था तो ये ब्लैक में हमें मिल रहा था 1,30,000 का, तो अब ये ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है तो इसकी प्राइस टैग जो है वो 8GB 256GB 1,15,000 है। तो अगर आप हमारी शॉप से फोन बाय करना चाहते हैं यही फोन आपको हम 1,10,000 का 11,000 का इजीली आपको दे देंगे। इसमें फिर ऊपर वाले मॉडल्स हैं, A54 है वो आपको 140 में देखने को मिलता है, उसकी जो प्राइस टैग थी पहले वो सुनने में आ रही थी 1,70,000, तो डॉलर कम होने की वजह से आपको वो फोन भी 1,40,000 का देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए इतना ही, तो इंशाल्लाह कल आपको नए ब्रांड की प्राइसेस जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारी शॉप विजिट करना चाहते हैं तो कचहरी बाजार फैसलाबाद में हमारी शॉप है, यूटू मोबाइल के नाम से फैसलाबाद में, तो शॉप नंबर 61 बी साइड UBL बैंक। तो अगर आप हमें फोन पे भी टच करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर रब्ता करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर भी आपको हमारा वीडियो में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, अल्लाह हाफिज़।